नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564409906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा लेखपाल का, यूपी लेखपाल का बैच भी चल रहा है, उत्तराखंड पीएससी का चल रहा है, यूपी पीएससी के अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, आरओ आरओ के चल रहे हैं। इन सब में भी आप पेड और अनपेड दोनों ही तरीके से प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत शिलाएं हैं जो वो बद्रीनाथ में स्थित हैं? देखिए, चरण पादुका बद्रीनाथ में है, आपकी गरुण शिला भी बद्रीनाथ में है और नारद शिला भी आपकी बद्रीनाथ में। ठीक है, तो तीनों ही हैं जो बद्रीनाथ में स्थित हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित शक्तिपीठ में से कौन सही सुमेलित है? महिषमर्दिनी है जो, वो आपके देवलगढ़ में है। ठीक, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, जोगेश्वरी है जो, वो अल्मोड़ा में है। ठीक, अल्मोड़ा में, ये भी सही है। और चंदा देवी है जो, ये आपको याद रखना है कि ऋषिकेश में ना होकर के हरिद्वार में है, हरिद्वार में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा गंगोली हाट जो कि पिथौरागढ़ में, ये भी याद रखिएगा, गंगोली हाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो कौन सी गुफा है जो गंगोली हाट में है? ये आपकी स्मर, बिल्कुल सही, सुमेरु और स्वधम, तीनों ही हैं जो आपकी पिथौरागढ़ की है, तो आंसर हो गया डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिला शिखर है जो, वो कौन सा है? सबसे ऊंचा वाला पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो गौरी पर्वत, नर नारायण पर्वत, चौखंबा पर्वत या फिर तुंगनाथ का पर्वत। ठीक है, तो देखिए, गौरी है जो, वो आपका नीति और माना के बीच में स्थित है और इसकी हाइट है 25,443 फीट। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये है आपका इन चारों में से हाईएस्ट, क्या है हाइट, क्या है, 25,000 लगभग। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना है कहाँ पर, आपका नीतिला, नीतिला का मतलब होता है पास। ठीक है, जो भी दर्रे होते हैं तो उसके लास्ट में ला लगा हो तो उसका मतलब पास होता है अंग्रेजी में। ठीक, तो नीतिला और आपका जो मानाला है उसके बीच में है गौरी पर्वत। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है? बुग्याल्स क्या होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, उत्तरकाशी में आपका दयारा है, शूटिंग है, कोराकर्क है या कसनी कर्क है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, दयारा। अगला देखिए, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है, नैनीताल में, रुद्रप्रयाग या फिर रुड़की, तो आंसर है इसका अल्मोड़ा, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी है जो उत्तराखंड की, वो कहाँ पर स्थापित है? आपके देहरादून में, हल्द्वानी में, नैनीताल में या फिर काशीपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हल्द्वानी में। और कब हुई थी ये भी याद रखना है, 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पर्यावरण के क्षेत्र में सन 2009 में पद्म विभूषण, 2009 में पद्म विभूषण से नवाजा गया? डॉक्टर आनंद पांडे, भैरव दत्त पांडे, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर कुंवर सिंह नेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप पर्यावरण वर्ड से आप इसको पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, ये हैं जो, ये हैं डॉक्टर आनंद मोहन पांडे, ये हैं आपके साइंस से रिलेटेड, इनको साइंस के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, और भैरव दत्त पांडे हैं जो, इनको मिला था आपके एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा कुंवर सिंह नेगी हैं जो, इनको बेसिकली विभूषण नहीं मिला है, इनको मिला है पद्म भूषण। ठीक है, और इनको जो मिला है वो मिला है ब्रेल लिपि के लिए, ब्रेल लिपि के लिए। ठीक है, लिपि के लिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि पर्यावरण से आप इसको पकड़ सकते थे, पद्म विभूषण मिला है सुंदरलाल बहुगुणा को, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को वर्ष 1968 में आपका ज्ञानपीठ से नवाजा गया है? सुमित्रानंदन पंत,
रस्किन बॉन्ड, लीलाधर जगूड़ी या फिर चारुदत्त पांडे। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, बाकी ये तीन है जो इन सभी को क्या है, इनमें से किसी को भी ज्ञानपीठ नहीं मिला, इनको सबको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन सा? साहित्य अकेडमी, ये भी याद रखिएगा अगर पूछ ले कभी तो। ठीक, साहित्य अकेडमी मिला है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किनको परमवीर चक्र दिया गया है? मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको तो दिया ही है। ठीक, उसके अलावा मेजर शैतान सिंह को भी दिया गया है, लेकिन मेजर चंद्र शर्मा मासीवाल को नहीं मिला है। ठीक, तो आंसर है इसका 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो, वो किस क्षेत्र में मिला है? पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में, साहित्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है, वो भी 1982 में मिला है, ये भी याद रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत रत्न पुरस्कार है जो, वो आपका कला, साहित्य, विज्ञान और जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता था। अभी क्या हो गया है कि ये पुरस्कार राजनीति सहित किसी भी ऐसे क्षेत्र में जो कि असाधारण कार्यों के लिए हो, मतलब जिसमें जिस क्षेत्र में किसी ने असाधारण कार्य किया, नॉर्मल से थोड़ा अलग हटके काम किया, उसमें दिया जाता है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। वर्ष 1957 में एक गोविंद वल्लभ पंत को इस पुरस्कार से नवाजा गया था, तो ये स्टेटमेंट भी इनका सही है। ठीक है, तो आंसर है इसका डी। अगला देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख एथलीट हैं जो सुंदर सिंह भंडारी, ये किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, एथलीट हैं, याद रखिएगा, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सुंदर सिंह भंडारी किस किस क्षेत्र से हैं? एथलीट से। ठीक है, और कहाँ से हैं? चमोली से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतारोही उत्तरकाशी जिले से है? बछेंद्री पाल है उत्तरकाशी से, बिल्कुल सही। हर्षमणि नौटियाल भी उत्तरकाशी से, लेकिन जेसी जोशी है जो, ये आपके अल्मोड़ा से है, अल्मोड़ा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित जूडो खिलाड़ी है जो, उनमें से कौन सही सुमेलित है? अल्मोड़ा से है आपकी कमला रावत, जूडो के, सही है। उसके उधम सिंह नगर से संजय जोशी, ये भी सही, और हरिद्वार से बालेश्वर नाथ पांडे, ये तीनों ही सही हैं, तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल हैं जो आइस हॉकी के लिए उपयुक्त हैं, है ना, कौन से सुइटेबल है? मुंशियारी सुइटेबल है, ओली सुइटेबल है, मिलम सुइटेबल है, तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखें, प्रथम दक्षिण एशियाई शीत खेल 2011 वाले हैं जो, वो आपके उत्तराखंड राज्य के किन शहरों में संपन्न हुए थे? तो देहरादून में हुए थे और ओली में हुए थे, ठीक है, उत्तरकाशी में नहीं हुए थे, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान है जो, इसकी स्थापना कहाँ कब हुई है? 1969 में, 79, 89 या 99 में? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1979 में, बी आंसर। अगला देखें, देश की आदिम जातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से किस वर्ष एक अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जातियों में लोक आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? ठीक है, किस वर्ष की गई? 1967, 77, 87 या 97 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1967, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने सुमन सौरभ नामक कविता संग्रह है जो, उसको प्रकाशित किया है? नयन सिंह रावत, ब्रजमोहन पांडे, प्रीतम भरतवाण या फिर श्रीदेव सुमन? तो आंसर है इसका श्रीदेव सुमन, डी आंसर, है ना, ये है क्या, ये भी पूछ सकते हैं, कविता संग्रह है सुमन सौरभ। अगला देखें, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ नामक पुस्तक है जो, वो निम्नलिखित में से किसने लिखी है? एडवर्ड जिम कॉर्बेट, सुमित्रा नंदन पंत, नयन सिंह रावत या फिर राजेंद्र धस्माना? तो आंसर है इसका एडवर्ड जिम कॉर्बेट, ए आंसर। नाम पुस्तक के इस वाले पार्ट से आप आइडिया लगा सकते हैं, मैन ईटर्स है ना टाइगर, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, है ना, जिम कॉर्बेट से। अगला देखें, कत्यूरी वंश के किस शासक को उसके ताम्र विवरण में शत्रुहंता और युद्धों का विशेषज्ञ कहा गया है? निम्बर को कहा गया है, ललित सूर्यदेव को, भूदेव को या शीलवर्मन को? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका निम्बर को कहा गया है, आपके क्या, शत्रुहंता और युद्धों का विशेषज्ञ। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पुरातत्व प्रसंग के लिए शंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सुमित्रानंदन पंत, श्रीदेव सुमन, हिमांशु जोशी या ब्रजमोहन पांडे? तो आंसर हो जाएगा इसका ब्रजमोहन पांडे, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन शतरंज खेल से संबंधित है? परिमार्जन नेगी, दिनेश रावत, जगजीत सिंह, कुंवर प्रणय सिंह? ठीक है, शतरंज के खेल से हैं जो, वो आपके
परिमार्जन नेगी हैं वो संबंधित हैं, आपके दिनेश रावत एथलीट हैं, ठीक है, जगजीत सिंह हैं जो ये भारत्तोलन वाले हैं वेटलिफ्टर, ठीक है, और आपके जो कुंवर प्रणय सिंह हैं ये आपके कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अमर शहीद श्री देव सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल जिले में 1915 को हुआ था, ठीक, तो सही स्टेटमेंट है, और उन्होंने बच्चों के लिए हिंदी पत्रबोध बाल पत्रिका का प्रकाशन भी किया, तो बिल्कुल सही बात है, ये उन्हीं के द्वारा की गई है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ठीक है, ये उपाधि है जो ये निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार ने किस विभूति को दी है, ये उत्तराखंड की है विभूति, कौन है, नयन सिंह रावत, ब्रजमोहन पांडे, हिमांशु जोशी या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो आंसर हो जाएगा इसका नयन सिंह रावत, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से युवा वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से युवा वैज्ञानिक नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद तकनीक, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक है जो इससे आणविक संरचना मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर शोध करने से संबंधित है, मतलब इस ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर कौन है जो रिसर्च के लिए विख्यात है उत्तराखंड से, कि कौन से युवा वैज्ञानिक है, अजीत चंद्र कुमार, श्री सतीश चंद्र कला या प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित या मोमानी पंत, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार, ए आंसर। अगला देख लीजिए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा हिमालयन एयरवेज हवाई सेवा निम्नलिखित में से किन स्थानों पर प्रारंभ की, ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि किसने प्रारंभ की, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा क्या है, हिमालयन एयरवेज हवाई सेवा, ठीक है, तो कहां से कहां तक, ये हरिद्वार से बद्रीनाथ, हरिद्वार से केदारनाथ, हरिद्वार से गोचर या फिर ऋषिकेश से गोचर, तो आंसर हो जाएगा इसका हरिद्वार से गोचर, सी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री हैं जो वो कब रहे हैं, 1950 में, 55 में, 60 में या 65 में, तो आंसर हो जाएगा इसका 1955 में, बी आंसर। अगला देखें, गोविंद वल्लभ पंत से संबंधित कथन है जो उनमें से कौन सा सत्य है, देखिए इनका जन्म देहरादून में हुआ, गलत हो गया, क्योंकि जन्म हुआ है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है, अब ये फेमस है तो अल्मोड़ा तक सही नहीं है, इसको गाँव भी याद कीजिए, तो गाँव है आपका खूंट ग्राम में हुआ है इनका जन्म, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, वर्ष 1946 से 1954 तक पंत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, स्वामी राम के द्वारा हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है जो इसकी स्थापना किस जगह पर की गई है, अल्मोड़ा में, आपके नैनीताल में या देहरादून में या फिर आपके हरिद्वार में, तो आंसर हो जाएगा इसका देहरादून, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, देखिए सिरिल रैफियल, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 1939 को हुआ है इनका जन्म, ठीक है, और इन्होंने जो वाक्य दिया है वो क्या है, खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज, ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही हो गए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, उत्तराखंड के राजेंद्र धस्माना है जो, इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, साहित्य, पत्रकारिता, खेल या फिर चित्रकारिता से, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पत्रकारिता से संबंध है राजेंद्र धस्माना का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, जिम कॉर्बेट का जन्म है जो वो 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था, ठीक, तो ये सही है। दूसरा, ये ब्रिटिश सेना में क्या थे, कर्नल थे, सही है, और इनकी मृत्यु है जो वो कीनिया में हुई, ये भी सही है, तो आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कवि कुमाऊं साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं, पंडित गुमानी पंत, लीलाधर जगूड़ी, गंगाधर उपरेती या फिर चिंतामणि जोशी, तो आंसर हो जाएगा इसका पंडित गुमानी पंत, ए। प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित हैं जो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं या फिर समाज सुधारक हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली वैज्ञानिक हैं, और ये किस पर काम कर रहे हैं, ये आपके एनवायरमेंट पर काम किया है इन्होंने, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कुछ मुद्राओं पर शिवदत्त का नाम अंकित है, वे उत्तराखंड के किस जिले से प्राप्त हुई हैं, अल्मोड़ा से, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या फिर टिहरी गढ़वाल से, तो आंसर हो जाएगा इसका अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राजनेता और प्रशासक थे, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो आंसर हो जाएगा इसका, ये तीनों ही थे, तो आंसर है डी।
अगला देखें, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी कौन से हैं? खुशी राम है, जयनंद भारती है और इंद्रमणि बड़ौनी भी हैं। ठीक, तीनों ही हैं, तो आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार या फिर पत्रकार हैं? आपके हिमांशु जोशी और गुमानी पंत तो हैं साहित्यकार या फिर पत्रकार, लेकिन आपके ब्रजमोहन पांडे हैं जो ये आपके हिस्टोरियन हैं, ठीक है, इतिहासकार। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन अपने राज्य के साथ सही सुमेलित है? भील है जो वो गुजरात के साथ सही सुमेलित है, ठीक, और आपकी जौनसरी उत्तराखंड के साथ है, लेकिन खासी है जो वो सिक्किम की नहीं है, वो आपके मेघालय की है, मेघालय, ठीक, तो ये गलत हो गया, 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? अल्मोड़ा में, तो गलत हो गया क्योंकि वो आपकी ऊधम सिंह नगर में है, ठीक, और नागा जनजाति है जो उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि नागा नहीं है यहाँ की प्रमुख जनजाति, नागा तो नागालैंड की है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, थारू है जो वो बरसात के दिनों में होली का त्योहार मनाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि होली का नहीं मनाते, वो आपके बजहर का, बजहर मनाते, बजहर, ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी है जो वो आपके देहरादून में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा है आपकी जौनसरी, ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में, तो आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत है, डी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो मंगोल प्रजाति के नाम से प्रसिद्ध है? राजी, बुक्सा, भोटिया या फिर थारू, तो आंसर हो जाएगा इसका भोटिया। अगला देखें, निम्नलिखित में से जौनसरी जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? ठुमकिया है आपका, बराड़ी गड़िया ये भी है और धुमसू भी है, ठीक, तो तीनों ही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया? 2001 में, 5 में, 11 में या फिर 2020 में, तो आंसर है इसका 2001, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों में महिला सुरक्षा के लिए जिला शरणालय एवं प्रवेशालय स्थापित किए गए हैं? देहरादून में किए गए हैं, पौड़ी गढ़वाल में किए गए हैं, पौड़ी में भी कहाँ पर? कोटद्वार में, कोटद्वार, ठीक, और टिहरी गढ़वाल में भी किए गए हैं, और टिहरी में आपका नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर, ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, बाल गृह निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को संरक्षण देता है? 10 से 12, 10 से 14, 10 से 18 या 14 से 20, तो आंसर है इसका 10 से लेकर के 18 वर्ष, तो सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन है जो वो 2001 में किया गया, तो ये गलत हो गया क्योंकि 2003 में हुआ है, और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने कार्य करना 29 सितंबर 2003 में प्रारंभ किया गया, ये वाला पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली बी। अगला देखें, भुवनेश्वरी महिला आश्रम है जो इसका सूत्र वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? खुशहाल बच्चा खुशहाल परिवार, खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज, खुशहाल परिवार खुशहाल समाज, या खुशहाल बच्चा खुशहाल परिवार खुशहाल समाज, तो आंसर इसका डी, खुशहाल बच्चा परिवार और समाज, ठीक, डी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।